सपना ना देखले बाणिन दूध मांगे तानन तो हार मोहन पिया था दूध आ बेटा बिया करे का सपना देखत बाड़े अरे कटा के बच्चा अरे तोरे ई रहन पर के बिया करी तो से रे आए 8 बजे ले सूता ताड़े घर के कोनो काम काज से मतलब नहीं खे खेते पर जाए के कहले रली कहले कोनो टेंशन का बात नहीं खे अरे बाप तो बटले बाड़न काम करे खाती दिन भर आवारा लड़कन के साथे गांव में घूमले ऊपर से बिया करे का सपना देखत ताने हगे काजी काहे मोहन बा के इतना डांटत रहनी अबू सयान हो गइल बा अरे सयान हो गइल बा त का हमार बाप हो गइल के ताके बच्चा देखा हमनी के अब उम्मीद हो गइल बा हमनी के कितना दिन रहल जाई अरे अबू जिम्मेदारी न ले तो कब ले देखा अब ओकर बिया कर देवे के चाहिए तू ही तो मोर जान हो राधा दिल के अरमान हो राधा फिर सपना में ऐसे हिडिंबा टाइप ले की काहे काहे राधा अरे हमारा अरमान है ना कि ईमोन की राधा बिल्कुल तोरा नियन होके तोरा जैसन छोट छोट कपड़ा पहने राति में आ दिन में तनी सब बोल फुटुर फुटुर अंग्रेजी बोले मोहन आई लव यू बेबी आई लव यू आगे के हाल गाना में बताओ तनी चहल
चले तो खुद के देखे लोकलाओ कर फी कर जलावा से छलनी कर दे दिलवालन के जीगा सपना में अपना जैसन लड़की भेजिया बुझलू कोनो हिडिंबा टाइप ना चंपा कुमारी के प्रणाम स्वीकार करी माई माई हमरी माई के तो तू हमरे पैदा होते ही ऊपर बुला लेलू बाबूजी पाल पोस के बोर्ड कहीने अब हमार बिया नहीं के होत काहे काहे कि हम तनी एक भर सावर पानी अब तू ही बतावा एमे हमार हमार बाबूजी की का गलती बा ई दुनिया में का रूप की सुंदरता ही सब कुछ होला मन की सुंदरता के कोनो मोल नहीं के बोला का कहना आवेला हमके खाना झाड़ू बर्तन पोछा आंगन ता आंगन हम दुवारो लिप देनी गोबर से ओकरे बाद भी जे के वो हमरा के देखे आवेला हमारे रूप देख के भाग जाला और ऐसे हमार बाबूजी के टेंशन और बढ़ जाला अब बतावा बाबूजी के कुछ हो गई तो हमसे बड़ा भागे दुनिया में केहू ना होई ए माई तू एगो काम कर आज एगो चमत्कार कर दो आज जे केहू हमके देखे आवे वाला बा वो लोग हमके पसंद कर ले और हमार बिया फिक्स हो जाए भाई साहब हमार बेटी साक्षात लक्ष्मी है लक्ष्मी हमारा घरवाली के मोला के बाद से हमरे घर के सारी जिम्मेदारी उहे संभर ले बिया अरे उत एकदम गाय है गाय प्रणाम हम है चंपा कुमारी ली गर्मा गर्म चाय ना तो ठंडा हो जाए बाबूजी श्यामलाल भाई का मजाक है तनी हमारे बेटा के देखा और अपन बेटी के देख ला अगर ये दोनों के शादी हो गई तो ऐसा लगी जैसे हंस और कौवा आइंदा तो हर बेटी के केहू देखे आई तो बता दिया कि तो हर बेटी गाय ना भैंस या भैंस चल बेटा सुंदर चल ए बाबूजी आप परेशान ना होई शायद हमरे हाथ में बिया के रेखा नहीं के बनल और वैसे भी हमें घर के छोड़ के चल जाए तो तोहर ख्याल के रखी ये घर के ख्याल हमके नहीं के करे के शादी बिया अरे पगली बेटी तो होले ही पराया धन आय वैसे बेगो कहावत कहल गेल बा कि जे आदमी अपना जिंदगी में कन्यादान ना करेला ना ओकरा के नरक में भी जगह ना मिलेला लेकिन बेटी हमार भी मन करेला कि हमरो आंगन में मड़वा गड़ाए और हम हो अपना जात बिरादरी के अपना गांव वालन के अपना बेटी के ब्याह के भोज की आई लेकिन बाबूजी हमरे भाग्य में बिया नहीं खे लिखल तो तू का करबा हा ए बेटी ऐसा ना कहे बेटी जब पैदा होली ना तो उसे पहले ओकरा पति के जन्म हो जाला बिहान बिहान है हम इच्छा पूर्ति माई के मंदिर में जाए सुन ले है कि वहाँ जे सच्चे दिल से मन्नत मांगे लेना तो ओकर मन्नत जरूर पूरी होला जरूर पूरी होला हे देवी मैया आपके आशीर्वाद से 3 बीघा जमीन का जौन मुकदमा चलत रहे वो हम जीत गए और जैसन मनौती मगले रहनी ये 5100 रुपया हम आपके अर्पित कर रहल बानी नहीं पंडित जी माई एगो बाप के मन के स्थिति समझे के कोशिश कर माई एगो बाप के बेटी के ब्याह खातिर लोग देखे आवेलन और मना करके चल जालन माई ले देवी मैया के चढ़ा दे तो सोची बाप के दिल पे का
का गुजरत हुई माई। खुश रह, खुश रह। चारों तरफ से थकार के तोहरे दरबार में आयल बानी। सुन ले हई तोहरे दरबार में जे आवेला ओकर इच्छा पूरी होला माई, हमारी बेटी के ब्याह करा द माई। जौना दिन हमारा बेटी के ब्याह हो जाए वही दिन तोरा दरबार की सीढ़ी चढ़ब माई। हमरो मनोती जल्दी पूरा करा द माई, तोहार जाए हो। अब एक अधा का बच्चा दिखाई नहीं देत का? अपन मनोती पूरा करे के चक्कर में दूसरा के खाल कर दे बा। अरे दिखाई नहीं देत ना तो चश्मा पहन ल। हमरा के माफ कर दी भाई। अरे माफ तो करबे करब ना तो कहतो झगड़ा करब। तू मैंने जाने कहा था हे माई, जौना दिन हमार मनोती पूरी हो जाए वही दिन तोहरा के 1001 रुपया दरबार में अर्पित करब। अरे हमारे हिस्सा के चक्कर आप अपने हिस्सा में ले लेनी। कौनो बात नहीं भैया, थोड़ा चोट लग गई बा, लेकिन मंदिर में हमारा सरुआ के चोट लग गए रहे, वही चोट की भरपाई माता रानी करा दे। आप चोट की भरपाई न कहनी, हमरा ऊपर एहसान का बोझ लाते नी। अभी एहसान का बदला हम कैसे चुकाई? चलो चलो पहले आपके हॉस्पिटल। चलो भैया परेशान हो कब। आराम से आराम से भैया आराम से। हाँ चलो घरे तक का। हाँ। अरे भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आई बैठी आई बैठी बैठी बैठ बा। तू चोट तो के लगल बा की हमके? अरे भैया आई बैठी ना। अरे बैठा पहले बैठा बैठा शांति से। सुनी अरे आपो बैठी ना। अरे बैठ जा, हम बैठा तई नहीं हर कुर्सी पड़ल बा। बैठा चंपा। ए बेटी चंपा, अरे देखा के आयल बा? आईनी बाबूजी। भगवान बाबूजी का बोलता रखे। अरे पूछो ना रे। तुम्हारे से दूसरो पैर कहले बानी कि हमार किस्मत में शादी बिया नहीं के। हाँ और ये सब झूठ बात है कि लड़की से पहले अगर पति पैदा हो जाले। देखो ये दुनिया ना रूप रंग देखे ले जब हमारा लगे नहीं के। देखो हम तोरा से कहते रानी आज के बाद देवी दादा के यहाँ तोरा के लगे कोनो जरूरत नहीं के। बुझाइल ना। हाँ हाँ बुझाइल। अरे हमारा के कुछ ना भइल बा, थोड़ा मोच आ गई धनिक बाटे का। अच्छा सुन इनसे मिल, ये दुर्गा चाचा हूँ मैं। हाँ प्रणाम कर। हमें चंपा कुमारी। खुश रह बेटा। और सुन ये हमारा हॉस्पिटल ले गेलन और पट्टी उट्टी बदोलन, इनकर सराफत देखा हमारा यहाँ घरे तक पहुँचौलन। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। कौनो बात ना बेटा कौनो बात ना। अच्छा भाई साहब रात बहुत ज्यादा हो गई बा, अब इतना रात करे हुआ कहाँ जाए। हम चाहता नहीं कि आज की रात ये गरीब के घर में गुजारी, कल सवेरे चल जाए। एक शर्त बा। हाँ बोली ना। देखा हमनी के दोस्त हो गए नीचा, आज के बाद तू हमरा के भाई साहब न कह बा, खाली दुर्गा कह के बोले बा। अच्छा ठीक बा ठीक बा। ए बेटी चंपा अब चाचा के खाए पिए एक बंदोबस्त करा ना। ठीक बाटे। जा 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 भाई साहब। और घर परिवार में के बा? मोहनवा तकिया फाड़े लगल बा, ओकरा खातिर लड़की ठीक रही, घरेलू भी लग दिया। बाबूजी कुछ चाही का? ना बिटिया ना कुछ न चाही, बहुत स्वादिष्ट खाना बने ले बाड़ू। श्यामलाल जी। जी भैया। तोहर बिटिया खाना तो बहुत बढ़िया बनावे ले हो। एक बात बताई, वाकई हमार बिटिया बहुत स्वादिष्ट खाना बनावे ले और घर के सारा कामकाज भी बहुत अच्छी तरह से करे ले। लेकिन का बताई भैया, जे लोग एकरा के देखे आवेलन वो सब नकार के चल जाले। ये खातिर हम आज इच्छा पूर्ति मंदिर गए रहे कि शायद उनके आशीर्वाद से कोनो चमत्कार हो जाए। अरे चमत्कार हो जाए ना, चमत्कार हो गईल। हम अपना दोस्ती की रिश्तेदारी में बदले के चाहता, अगर आपके कोनो इतराज ना हो के तब। ए भैया भला हमरा के का इतराज हो सकेला है? हमरा के कोनो इतराज नहीं खे। लेकिन इतना जल्दी उनका आशीर्वाद मिल जाए ये हमरा के पता ना रहे। एक बात कही? बताई। भाई साहब जमाना बदल गए बा, हम चाहता नहीं कि एक बार अपना बेटा के चंपा के दिखा दी। अरे वो गधा का बच्चा का देखी हो? देखा
तोरा बिटिया में हमके अपने घर का लक्ष्मी दिखाई देती है। हाँ, आपके कुछ देखे के बाद तो हमारे घरे आके देख ले, भगवान के दया से हमारे घरे में सब कुछ बा, 20 बीघा जमीन बा, एक बार देख ली तब हाँ करी। ना, हमारा के कुछ ना देखे हुआ, हम तो रउआ के देखे पानी। ए भैया, आज से हमनी समधी हैं। वाह, हे मोहन कमाई। काजी आ गई नी, रात भर लागेला देवी माँ की चढ़ावा चढ़ावे में। अरे देवी मैया के चढ़ावा चढ़ावे में रात भर ना लागेला, एगो बहुत बढ़िया और बड़ा आशीर्वाद मिल गईल बा देवी मैया। अब देवी मैया चाहिए ना तो तोहरा के घर के कामकाज से मुक्ति मिल जाए। वो कैसे? एगो बहुत बढ़िया सुंदर और संस्कारी लड़की, खाना पीना बनावे से लेकर झाड़ू बहारू करे वाली लड़की देवी मैया के आशीर्वाद से मिल गई। और अब अपने बहनवा का बिया ओकरा से तय कर देले बने। इतना बहुत अच्छा काम कही नी, चली इस सब से हमरो फुर्सत मिल जाए। मैं हम अभी शादी ब्याह के चक्कर में नहीं पड़ल चाहत। अरे तो खाली तकिया फाड़े के चक्कर में पड़ल लबे आए, तोरा के ब्याह करे के पड़ी, हम उन लोगों से वादा करके आल बानी। लेकिन बाबूजी हम लड़की के देखले बिना ब्याह ना करब। आए तैं लड़की के देखबे? अरे हमारे बाबा का ब्याह भइल तो आजी के ना देखलन, हमारे बाबूजी का ब्याह भइल तो माई के ना देखलन। हम जब ब्याह कहनी तो तोरे माई के ना देखनी, तैं लड़की देखबे। आए चुप चाप ब्याह कहले, समझ ले माई। हम ये बिया कोनो कीमत पे ना कर सकेले। अरे हम कोनो दूध पियत बच्चा नहीं की, जेकरा से हमार बिया होके लवा हमके ऊ लड़की के देखे के पूरा अधिकार बा। हमरा से बहस मत करा, जा अपने बाप से बात करा। हमके उनकरा से कोनो बहस नहीं के करेगे, हम ही घर छोड़ के चल जाते नहीं। खाली हमरा से लड़े के बाप के सामने तब बकार ना निकलेला। अब हम के घर में एक मिनट नहीं के रुकेगे, ब्याह कर ले ब्याह कर ले, जैसे ब्याह हमारा इनकर होता। तो के करे के बात तू कर, बाकी लड़की देख ले बिना हम ब्याह ना कर सकेले। अरे पता ना कैसे लेके हुई, कई सपना में आवे वाला हिडिंबा जैसन रहल था। राधा राधा, अब हमनी के घर में नहीं के रहेगे, तू चलो हमरा साथे, अब हम ये घर छोड़ के चाहता नहीं। बहुत सटिया गिल बने भाई, क्या चाहिए का बेटा? अरे हम ही घर छोड़ के जाता नहीं। अरे कहाँ है बेटवा? लड़की देख ले बिना हमके ब्याह नहीं के करे के, हमके जिंदगी भर उनके साथ रहे के बा, तोरा के ना अपन फैसला हमरा ऊपर मत थोपा। हे एक तो कदम आगे बढ़ीला ना तो मार के हाथ गोड़ दुन्नो तोड़ दे। हमरो नाम दुर्गा प्रसाद बा, कटहा का बच्चा, तोर बियाह होई और वही जे होई जहां हम चाहे। आज भगना
जजमान नीली सिंदूर दान करी। फूल सजावल कहिबा फूल। एजी एजी ली दूध पी ली। वो अम्मा जी ना हमके आधा घंटा तक बैठा के समझैली है कि आज काका करे के बा। पहले दूध पी ली अम्मा जी थोड़ा के आधा घंटा में साड़ी कैसे पहनल जाला ना बतौली है। अरे ना वो का है ना कि हम साड़ी पहला बेर पहनले बानी और ये दूध पकड़ला में साड़ी तनी सरक गईल है। ली दूध पी ली। तो इतना बड़ घूंघट काहे खातिर डलले बाड़ू। हम ना बताए ना बतावा ना हमके लाज लागता। ना 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 बतावा। उ, अम्मा जी बताईली है कि घूंघट तो आपे उठाइब ना लेकिन पहले दूध पी ली। ई गरम गरम सांस लेल बंद करा और खुद दूध पी जा। ठीक बा अम्मा जी बताईली है कि पति के आज्ञा भगवान की आज्ञा जैसे होला हम दूध पी जाता नहीं। हाँ? हुँ? हुँ? हुँ?
अच्छा रहे। अरे मोरे माई। ए जी, सर दुखाता दबा दी, गला दुखाता दबाई वो? ना बाबा ना, अम्मा जी कहले बाड़ी, अम्मा जी, पति के सेवा कईल पत्नी के सबसे बड़ धर्म है। चुप, जो नीचे जाके सूचो, जो नीचे नहीं हमार कपार पे, जो नीचे। गवार कई के धन्य हो भाई सासुर। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में कारी बहु पिया ना। भगवान ऐसन बहु सब के देवा। बाबूजी थोड़ा लगतानी माई। अरे बाप रे बाप, ये केकर भैसी या भोरे भोरे गांव दिया रे भाई। चुप चुप रहो, तोर मेहरारू आ भजन कर दिया। देख कल से भोरे भोरे उठ के एकरा साथे पूजा करे के बाद समझ ले, ना ही उठले ना तो मार के हाथ तोड़ तोड़ दे। गधा का बच्चा। जा बहु जा। हम भी तेरे जाता नहीं। इतना संस्कारी दिया था। हाय अरे बताओ रे मोहन रतिया कौन खेला। बताओ ना मोहन भैया, बताओ का भाई, बताओ सब समाचार ना। बताइबा भाई, बताइ दे भैया, बता दे। आए मोहन के माई, दुल्हनिया के तिलिया वा। अरे ले आई नी अपन दुल्हनी के, देखी सब बैठा। देख लेनी सबे लोग दुल्हन के। बस बस हो गए, गए लोग। अरे पता ना राम राम, इसनों कहीं जोड़ी हो के लड़की ले आई, हीरा जैसन लड़का के कोयला जैसन लड़की मिल गई। बेटा बहुत अच्छा दुल्हन पोले बड़ा। ओहो हो राम राम, इसनों कहीं जोड़ी हो खेला, हीरा जैसन लड़का के कोयला जैसन लड़की मिल गई। अरे पता ना दुर्गा भैया के का बुझाए कि ऐसा लड़की ले आई। ए भैया सामान सब अंदर लाओ। अरे प्रणाम 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 भैया। और बताई आवे में कोनो तकलीफ तो ना ना भाई? ना ना भैया एकदम आराम से ली।
बैठो बैठो। हाँ हाँ ठीक। और बतावा बेटी का हालचाल लेवे आइल बाड़ा? अरे भाई तुहार बेटी एकदम सही से बा। अब तुहार बेटी बाद में, पहले हमार पतो बिया। अरे भैया रउआ कैसन बात करता नहीं, हम बेटी हालचाल लेवे नहीं खे आइल बानी, हम तो चौथार लेके आइल बानी। रहल बेटी के बाद, बेटी के तो किस्मत ही चमक गई, ओकरा के सास ससुर के रूप में महतारी बाप मिल गए लेन, और पति के रूप में, पति के रूप में मोहन जैसन देवता मिल गए। अरे कहा उ गधा के बच्चा के देवता बनावत पड़ा, देखा आ गईलन, आ गईलन, सबेरे से डोलत रहलन। अरे खड़ा का बाड़े रे, हैं, पैर छू ससुर जी के। हाँ हाँ खुश रहा खुश रहा। गधा के बच्चा जा जाके नाश्ता पानी का इंतजाम कर। अरे जो दुर्गा भैया कहाँ हमारा के पाप के भागीदार बना होता नहीं, हमने की यहाँ लड़की के घर के पानी भी ना पिया। क्या बात करत आड़ा श्याम लाल जी। अच्छा तोरे लगे 500 रुपया बा? हाँ हाँ बा ना। कदा हम आराम से खा पिया, कौनो पाप ना लगे। कमाल के आदमी बाड़ा, कमाल के आदमी बाड़ा दुर्गा भैया तू। अरे कमाल का आदमी ना, असली कमाल तो आज रात में हुई। हाँ ई हो रात के कमाल। कितना देर? अरे अरे ई का करता नहीं संधि जी, रउआ हमार धर्म भरस करे पे काहे लागल बानी, हम आज तक कबो हाथ ना लगौली। ठीक है भाई, जहाँ तक धर्म भ्रष्ट होए का सवाल है तो हम तोरे साथे जबरदस्ती न करें। लेकिन एक बात बतावा भैया, अरे पिए ल ना तो जिए ल कहते हो? इतना रात के कहाँ जाता रे? बाबूजी वो टहले जाता नहीं। टहले? हाँ। दिन भर टहल के मन नहीं भरा लगा कि रातों के टहले जी। अब दुल्हन जो घरे में हो के देखी रे? हाँ? क्या अंदर? बाबूजी दो मिनट खातिर जाए ना। देख बेटा अब जल्दी से जल्दी हमरा के दादा और इकरा के नाना बनाए का इंतजाम कर। बाबूजी गधा के बच्चा। संधि जी हाँ, देवी माई के मंदिर में जौन मनौती मानल गेल रहे वो तो सब पूरा हो गई। अब हम सोचता नहीं हम पूरा परिवार के साथ चल के माता रानी के दर्शन कर जाओ और अपन मनौती चढ़ाई दिल जाए। वाह 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 क्या बात कहला, काली सवेरे सब परिवार हमनी के देवी मैया के दर्शन के लिए चल जाई। हे माई तोहरी कृपा से हमारी चंपा के बहुत नीमन घर बर मिलल बा, इसब तोहरे आशीर्वाद से भइल बा माई। अगर हम जिंदगी भर दिए लेके खुश थी तैसन घर ना मिलित माई, मानल मनौती के मुताबिक अपनी समर्थ के हिसाब से हम 1001 रुपया तोहरी चरणन में अर्पित करत आनी। पंडित जी एली माई के चरण में चढ़ा दी। माई इकरी बाप का मुराद पूरा करके तो हमार बैंड काहे बजोलो माई? तनी देखा यहाँ जितना लोग खड़ा बा सब लंगूरन के हाथ में तू हूर दे दिलू, और हम हूर रेला के बावजूद लंगूर। काजी देवी मांगे काहे कोसत बानी? जोड़ी तो स्वर्ग में बनावल जाला ना। जोड़ी अगर स्वर्ग में बनेला ना तो ऐसा स्वर्ग के पेट्रोल छिड़क के आग लगा देवे के चाहिए ताकि दोबारा ऐसा जोड़ी ना बने। और हाँ सुना, हमनी के जोड़ी स्वर्ग में ना हमार बाबूजी बाबूजी बनोले बड़े। बाबूजी देखे था का बच्चा का बहू के सतावत आने रे? बाबूजी हम इनके बतावत रहने की ये मंदिर। अरे पहले अपने समझ ले तब बहू के समझाए, चल चुपचाप पूजा कर भाई, हर मनौती पूरा करे ले चल। हमके ब्याह से पहले ही ई मंदिर में आवे के चाहत रहे तो आज ही हंस अकौवा के जोड़ी ना बनल रही थी। ए जी सुनी ना, आप अपने आप के कौवा का है कहत बानी? ए माई एगो बात पूछी का? हाँ पूछा। हम बहुत टेंशन में बानी,
हमके लगता यहाँ के हमके पसंद ना करेनी। अरे चंपा, ऐसन कौनो बात नहीं खे। अभी नया नया ना बियाह भइल बा। देखिया, एक दिन सबसे ज्यादा तहरा के ऊ प्यार करी, बस तू ओकरा के खुश रखे के कोशिश करिया। राधा, तोहरा के तापन दिन के हर बात बतौनी कि हमरा के मेहरारू के रूप में तोहरा नियन मास्ट फिगर वाली लेके चाहिए, लेकिन हमरी मेहरारू की फिगर हतनी से तनी मनी कम। हमरा के मेहरारू चाहत रहे जो चोट चोट कपड़ा पहने। समझ गई नी, हमार पति के छोट छोट कपड़ा नीमन लगी ला। अब तो उनका खातिर पहने के ही पड़ी। छोट छोट कपड़ा पहने ले बारे रे बहू के, आइंदा ऐसा हरकत कहले ना तो मार के हाथ गोड़ तोड़ दे। दुल्हन जा बेटा, जा जाके ढंग का कपड़ा पहन ले। पता नहीं कौन कौन फिल्म देखत रहा आजकल। अरे ससुर तो हर तो चला ससुर। गलवा,
जी वाली ई सब का बा है? और ई के है दुर्गा भैया हमार बेटा है छगन मुंबई से 6 साल के बाद कमा के आयल बा। अच्छा अच्छा राहुल आशीर्वाद लेवल चाहता कोनो बात ना बुला ला हम दे दे आशीर्वाद छगन हाय हाय ओए काका चिन्हा रही क्या अपुन कौन छगन अपुन चचा आज के जट पे अपुन की जो हैसियत है ना अपुन तेरे दरवाजे पे नहीं आता ना तो भी काम चलता लेकिन जो है ना अपुन का जो जमीर है ना अभी मरे लानी है काका अपुन को अब भी याद है अपुन जब 20 साल का था ना तो इस गांव की गलियों में फटेला झंगिया पहन के घूमता था मैं काका लेकिन तुम इस चेक आदमी जो अपुन के उस पटेले जंगे के दर्द को समझा आप उनको तुमने 300 रुपए दिए कहीं के वास्ते मुंबई जाने के वास्ते ट्रेन से अब उन जो ना तुम्हें जल्द से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अरे दुर्गा चाचा को लगा दादी देखला ना 6 साल बंबई में रहला के बाद 6 सेकंड में गांव में वापस आ गए पुत्र बेटा पुत्र बच्चा जियत रहा मस्त रहा जा चाची का आशीर्वाद भी ले ला जा चाची गोल लगा दादी हो और मोहन भाई क्या चल रहा है इसमें भाई बिल्कुल चकास शाम को मिलते हैं फिर पिता दूध पीते हैं अबुन दिखाएगा ना अबुन की इज्जत क्या मुंबई में एकदम जबरदस्त मिलते हैं ठीक है ठीक बात तो उसे जरूर ना ही तू अबुन तेरे को बताता बेटू मुंबई में ना बिल्कुल एक ही चीज है जो देखने में बिल्कुल रामचिक है मस्त कुछ क्या का मुंबई की छोकरी बिल्कुल देसी घी के माफिक एकदम चिकन ऊपर से मुंबई के लड़कियों का जो ड्रेस निबड़ो बिल्कुल अंदर का पार्ट बुर्जा बाहर से दिखता समझा क्या पूरा मूड की वाट लग जाती है बेड़ो मुंबई क्या है क्या अरे मुंबई कमाए उजाला जकरा खातिर ओकरा घरे में कुछ ना होला अब तोरे पास तो यहाँ पर 20 बीघा जमीन बा अरे जब तोरा से यहाँ कुछ ना उखड़ल तो वहाँ का उखड़बा कौनो जरूरत नहीं के बंबई संबई जाए कर बाबूजी तोहार सब बात मान लेनी बाबूजी लेकिन हमरो भी तो मन करेला ना हम अपना दम पे कुछ करें ए बाबूजी जाए देना मुंबई अगर वहां कुछ ना उखड़ल ना तो हम यहाँ आके उखाड़े अरे बाबूजी जब वो छगनवा इतना सब कर सकेला तो हम कुछ ना कुछ कर ही ले छगनवा के देख के तोहार आंख खुलल बा हैं ठीक बा तोरा के 2 साल का वक्त देते जा तू मुंबई और अगर वहां तब तू कुछ ना कर पैला तो चुपचाप उल्टे पांव लौट के यहां आ जाएगा और तब जवन हम कहब वो करे के पड़े ठीक ठीक बा बाबूजी ए यारा यारा जी बाबूजी एक बात और का अगर तोहा नौकरी बंबई में लग जाई तो चुपचाप आके अपने मेहरारू के जल्दी से जल्दी ले जी अरे बाप रे जौना मुसीबत की वजह से हम भागत बानी ओकरा के फिर हमरी का परे पे लादत बाड़न खैर अभी कुछ कहब तो जाए ही ना दिए ए जी बाबूजी का सोचे लगले कुछ ना बाबूजी हे में सोचे के कौन बात बा हमरा के बंबई में जैसे नौकरी मिलल हम ले जाए चंपा के अपने साथे बहुत अच्छा बहुत अच्छा जी कहीं मुंबई जाके हमके बुलाते ना जाए चंपा का बात करो तरो तू तू को ना भुलाए वाला चीज हो वैसे भी हम तो के कहा याद करें ना और देखिए जी वही जाके ना जल्दी से हमके अपने लगे बुला ले ना ते पूरा कमरा के कोना हमरा के काटे के दाढ़ी चंपा ए हमार चंपा
अरे काहे रो तारू, तू टेंशन ना ले, हम जाते ही तोरा के जल्दी बुला ले, ठीक है? सच्चो? एकदम तो हार किरिया। अरे घर में घुसन रहे कि बाहर रहे? आवता नहीं बाबूजी, चला बाबू जल्दी चला, चला चला, चला। एजी, हमके राहुल बहुत याद आई। बस बाबू लेट होता। अरे कहा है ना बाबू, हमके वहां जाके अपन पैर पे खड़ा होके के बा तुम माई बाबू की ध्यान रखिया, ठीक है? चला ओके चाचा, टेंशन लेने का नहीं, आप उसको सेटल कर देगा, समझा क्या? बेनवा चल जाई तब आवता नहीं बाबू जी, आवता नहीं। क्या कर रहा है? छोड़ा, अरे छोड़ा, अरे आगे नहीं बाबूजी, आगे नहीं। क्या कर रहा है अंदर तत्रे? बाबूजी वो चंपा हमरा के जाए, चंपा के साथ रह ले, जो एक बार फिर मिल गया। ना बाबूजी लेट होता। हाँ देरी देरी होता। एक काम कर, इले 5,000 रुपया, जब ले कोनो काम धाम ना मिली मुंबई में ना, तब ले ऐसे काम चलाइए, जैसे फोन कर दिए जी बस के लिए ना। गुड लगा देना, ध्यान रखिए बेटा। ओके चाचा, आप लोग मुंबई जा रहे ला, नमस्कार। हाय, अरे गुड लगा दे चाची बड़ा। ए छगनवा, तुम्हार के लिए जाइए रे, पहली बार मुंबई जाता। चाचा डोंट टेंशन नॉट फिकर, हम बाजी ना एक दा का बच्चा संभाल के जाइए रे। हां हां बाबूजी। इधर स्टोर गिनने का पैसा लगता है। वो क्या मोहन भाई, यापुन की मुंबई है, समझा क्या? इधर की मस्ती बहुत ही सस्ती, ठीक है ना? अबुन तो इधर का राजा यार, अबुन तेरे को मस्ती कराएगा। चल बैठते हैं इधर। वो क्या मोहन भाई, और तू इधर एक मिनट रुक। अबुन ये रुक ना, अबुन है ना, अबुन तेरे को ठीक है। सॉरी यार, आप उनको माफ करना यार। वो कह रहा मुंबई में सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहने को होती है, और अपन छोटी से खोली में रहेला, इधर उधर एक ही खोली में 10-10, 12-12 लोग भरेला, बड़ा प्रॉब्लम है यार। हाँ। गांव में अपन जो बोलता था ना, बिल्कुल फेकम फाक है यार, बिल्कुल फेकम फाक। अपनी वोकल बाजी मारता था यार मैं। तो कोई अपनी व्यवस्था कर ले यार, आप उनके पास इधर जगह नहीं है। सॉरी यार। हाँ सुनने बाबू, हो रहा बातों से यार, गाँव में सब बताओ ना, क्योंकि यार हम यहाँ होटल में बेटर के काम करे यार। इज्जत हमार बचा लिया बाबू, ठीक बा? हाँ सॉरी यार, कहीं व्यवस्था कर ली है। अरे पर छगन भाई, हम मुंबई में क्या करब? आप फोन रखता भाई, ठीक है ना? ओके बाय।
हेलो छगन, हेलो अब का करी ये अनजान शहर में, के करी हमार मदद। तुम्हारी हमेशा की आदत है कि तुम लेट आती हो। तुम्हारे बिना ये पार्टी पूरी बेरंगी पड़ी है। ओह, अब नाराज मत हो और ये लो। थैंक यू। तो टेंशन मत ले, मैं अभी पार्टी का रंग जमा देती हूँ। ¡Gracias!
ये रास्ते में बाइक चलाने का कौन सा तरीका है? हॉर्न सुनाई नहीं पड़ता है? हॉर्न सुनाई नहीं, दिखाई पड़ रहे ले। रास्कल्स? रास्कल्स? नोच ले क्या? अब टेंशन मत लीजिए, अभी हम देखते हैं इन लोगों को। कहाँ है बे? कहाँ छेड़ रहे हो लड़की को? कह रहे भैया आज ही आए क्या जनरल बोगी से? चुपचाप कल्टी मार ले, वरना आए जनरल बोगी से जाएंगे पार्सल बोगी से। धोनी के बात सुन के हमरा के को बात समझ में आई। कुकुर कितनो बढ़िया नस्ल के होके, जब भी मोती टांग उठा के मोती। नहीं समझे? नहीं। अभी समझा दे। हमको लगा था आप शहर के कुत्ते हो, कुछ और भोगोगे, लेकिन आप भी गांव के कुत्तों की तरह ही भोगते हैं, बस भाषा का फर्क है। कुछ समझे? नहीं समझा। नहीं समझे? की छेड़त रहन ससुर के नाते। थैंक यू वेरी मच। अरे ये तो हमारा फर्ज था। वो सब तो ठीक है, लेकिन इतनी रात गए आप यहाँ क्या कर रहे थे? अब का बताएं हम मैम साहब, पहली बार आए हैं मुंबई अपने दोस्त के साथ, रास्ता में छोड़ के भाग गया। फोन करके बोलता है कि हम किसी चाल के एक कमरा में 10 लोगों के साथ रहते हैं। अब का करे, कहा जाए, समझ नहीं आ रहा है। तो समझिए कि आपके सारे प्रॉब्लम्स का समाधान हो गया। हा? मेरे पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो कहीं ना कहीं आपको काम दिला ही देंगे। अब चलिए मेरे साथ। अच्छा? आइए। हाँ। हम तुम्हारे एहसान मंद हैं कि तुमने गुंडों से मेरी बेटी की जान बचाई। खैर, क्या नाम है तुम्हारा? जी मोहन। कहाँ के रहने वाले हो? गांव रामपुर, जिला मोतिहारी, बिहार से। बिहार? बिहार पटना के तो हम भी हैं। लेकिन जब से प्रिया की मम्मी की मौत हुई है, हमारा आना जाना कम हो गया है। खैर, तुम्हारी शादी हो गई? शादी? मैं समझ गया, मुझे पता चल गया कि तुम शादीशुदा नहीं हो। पूछो कैसे? जी कैसे? अरे भाई, जब हमसे पूछा गया था ना, तो हम भी तुम्हारी तरह साइलेंट हो गए थे। अब तुम्हारा इंटरव्यू समाप्त होता है, आज के बाद तुम्हें हम अपनी बेटी प्रिया का बॉडीगार्ड रखते हैं। यहीं रहना, यहीं खाना, ठीक है, और तनख्वाह 20,000 रुपए। ठीक है ना? जी, अब ऐसे बड़ा और कहाँ हो सकेला। डैडी, मैं जिम जा रही हूँ। जाओ, शौक से जाओ, लेकिन आज के बाद अकेले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोहन को हमने तुम्हारा बॉडीगार्ड रख दिया है। वाओ, दैट्स ग्रेट। आज के बाद तुम जहाँ भी जाओगी, मोहन साय की तरह तुम्हारे साथ रहेगा। कूल। आओ मोहन। जी, धन्यवाद।
जी तुम यहीं रुको। जी मैम साहब। मोहन आज से नो मैम साहब, सिर्फ प्रिया, अंडरस्टैंड? ओके प्रिया जी। फिर प्रिया जी, ओनली प्रिया, ओके? जंप, वन टू। हाय केटी। हाय प्रिया, प्रिया, प्रिया। अरे मन तो करता कि तोरा नाम की माला जपी। चेंज करके आई मैं। वन टू। हमरी राधा के आप भेज लो हमरे सामने, जबकि हमरी राह में पहले ही चंपा नाम के बाधा डाल देले बड़ा। बुरा भी नहीं है। एके देख के तो दिल के तार झंझना गए। गाना गा ली का साचो में तो हाँ कभी कही ना, देखी सपना में का कहतिया। चलल जाओ। झूठों के हमरा से लेता रूपंगा, अपना बता दे पहचान। दाता हो कब मिली समान, मनवा पाया पकड़ी हमने वा। दाता हो कब मिली समान, मनवा पाया पकड़ी हमने वा। Thank you.
देलू ऐसन तो जादू सनम नाही भूला पाइब जन्मो जन्म कैसे मैं बन जाऊं जान दाता हो कब मिली समान मनव पाया पकारी हम देवा दाता हो कब मिली समान मनव पाया पकारी हम देवा दाता हो कब मिली समान मनव पाया पकारी हम देवा दाता हो कब मिली समान मनव पाया पकारी हम देवा बाबूजी प्रणाम बाबूजी अरे गधा का बच्चा दो दिन हो गए तुरा के मुंबई गई है अरे तो के फोन उन करे के चाहत लड़की ना रहे ना बाबूजी हम फोन करवाला रहनी चुप गधा का बच्चा ई बता कहीं नौकरी ओकरी मिलल की ना की ऐसा ही घूमत आ रे देख अगर कोनो काम नहीं मिला था तो चुपचाप घरे लौटा समझ जा की नहीं ना बाबूजी नौकरी मिल गई बा मिल गई बा ना तो अपने दुल्हन के आगे फटाफट ले जो बाबूजी अभी तनखा मिले द कमरा उमरा ले जाई ओकरे बाद हम चंपा के ले आई अच्छा ठीक बा रख फोन जी बाबूजी अरे क्या हुआ मोहन कुछ नहीं वो हमारे दोस्त छगन का फोन था पूछ रहा था नौकरी ओकरी मिली या नहीं तो बता दो ना कि नौकरी मिल गई चलो हमरा के छुट्टी चाहिए छुट्टी हाँ किस लिए हमार मेहरारू के तबीयत खराब बा वो क्या है रामू मुझे बिजनेस के सिलसिले में 15 दिन के लिए बाहर जाना है मेरा जाना जरूरी है लेकिन तुम्हारा जाना भी जरूरी है तुम जाओ जाओ जी डैडी लगता है आप बिजनेस ट्रिप पे बाहर जा रहे हैं बिल्कुल ठीक कहा तुमने हाँ बेटा मैं जा रहा हूँ लेकिन रामू काका भी अपने गाँव जा रहे हैं क्यों क्या हो गया का बताए बेटी हमार मेहरारू के तबीयत खराब बा अच्छा ठीक है अब जल्दी चले जाइए वहाँ जी जी मोहन जी मेरी गैर मौजूदगी में इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है जी आप चिंता मत कीजिए मैं तो चिंता नहीं करूंगा लेकिन अब चिंता की बारी तुम्हारी है ओके बेटी मैं चलूं ओके आइए मैं आपको कार तक छोड़ देता हूं बाय आइए क्या हुआ मैं स्लिप हो गया देखो तो दर्द हो रहा है डॉक्टर के पास चलते हैं समझ गए धीरे से एक्सरे मैंने देख लिया है 10 दिन की दवा मैं लिख देती हूँ मामूली से हेयरलाइन फ्रैक्चर है पर आपको प्रॉपर रेस्ट करना पड़ेगा
आज ही करते हैं पार्टी। Cheers! आज की शाम प्रिया के पैर के नाम। ये। थैंक्स यार, तुम लोग मेरे पैर ठीक होने के पार्टी में आए। अरे मोहन जी, तुम भी लो ना। नहीं, हम शराब नहीं पीते। अरे ये शराब नहीं है, शैंपेन है, यहाँ सभी लोग पीते हैं, लो। जी नहीं। अरे पी लीजिए मोहन जी, आपकी राधा जी कह रही हैं, अरे मतलब आपकी प्रिया जी कह रही हैं। तुम लोग भी ना। ओहो, शर्म से गाल लाल हो रहे हैं, आप पी भी लीजिए। मोहन लो ना प्लीज। अरे चलो चलो, तुम सब लोग बहुत मस्ती कर रहे हो, चलो चलो। हे भगवान, हमके माफ कर दो। तू तो जनते बड़ा कि हम जिंदगी में पहले बेर चोरी के लिए बानी। ओहो ओहो, अपन ससुर जी की फोन। उनका से बात करे के बड़ा मन करे था, आज हम बतिया ही। घंटी जाता। वैसे एक बात बोलूं प्रिया, तुम्हारा बॉडीगार्ड ना एकदम हस्बैंड मटेरियल है। मेरा बस चले ना तो मैं उससे शादी कर लूं। आज तो बतिया के रहा। घंटी जाता। थैंक यू सो मच प्रिया, एक बार शादी हो गई फिर कहाँ यार ये पार्टी शार्टी। मोहिनी ने बोला, मैं भी फिर से बोल रही हूँ, तुम्हारा बॉडीगार्ड यार एकदम मस्त है। ओके गाइस, पार्टीज ओवर, सब तुम लोग अपने अपने घर जाओ। ओके ओके यार, बाय, चल टेक केयर, गुड नाइट, बाय 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 बाय।
कहीं कोनो अनर्थ तो नहीं होके वाला बा? हे भगवान, अब पता ना प्रिया का सोचे हमारे बारे में। शराब के नशे में भाग गए नहीं जा, लेकिन हम तो उसे प्यार भी करे लागल बने। न जाने ओकरी मन में का बा। मोहन। हाँ? जी प्रिया जी। प्रिया जी नहीं, सिर्फ प्रिया बोलो। प्रिया जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, पता नहीं इसका प्रायश्चित हम कैसे करेंगे। माफ कर दीजिए प्लीज। माफी, माफी, माय फॉल्ट। और इसके प्रायश्चित में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ, और अब हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। मोहन, क्या सोच रहे हो कि डैडी एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं? उनके वापस आते ही मैं उनसे बात करूंगी। अरे आपस में क्या बातें हो रही हैं, हम भी तो सुने। अरे डैडी, आप वापस आ गए। एक्चुअली डैडी, मुझे आपसे कुछ कहना है। कहो ना, मैं तो तुम्हारी हर बात मानता हूँ। हाँ, वो क्या है कि मैं मोहन से शादी करना चाहती हूँ। प्रिया, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम अपनी शादी की बात अपने बाप से करो, डर गई ना? अरे ये बात तो मैं तुमसे खुद पूछने वाला था। मोहन मुझे मेरे दामाद के रूप में पसंद है, बहुत अच्छा लड़का है। मैं तुम दोनों की शादी का इंतजाम बहुत जल्द करता हूँ। राहे दाना दुल्हन साफे बा। अरे माई, साफ सफाई रखे के चाहिए हमेशा। महनवा के फोन आयल रहे ना? अरे हाँ, देखा दानी कहीं मोहनबा के फोन तो ना। हा हेलो, एयरटेल में स्वागत है आपका। अब पाए 121 रुपए के रिचार्ज में 121 रुपए का टॉक टाइम। केकर फोन रहल है दुल्हन? कंपनी के रहल है। अब दुल्हन के चेहरा हमरा से देखल नहीं खे जात, इतना उदास रहतिया। जब से मोहना मुंबई गल बानू, ना फोन करता, ना कोनो हालचाल पूछता, ना बातचीत करता, दुल्हन एकदम मुरझायल मुरझायल रहताड़ी। हमरा से ये कुल बर्दाश्त होत बाना। लागत है ये गधा का बच्चा मुंबई की चकाचौंध में सब कुछ भुला गई बा, पता नहीं क्या क्या करता। Hey!
बोले फेले गोराई से हटे नानी गाह सुघराई से अंगड़ाई से जिंदगी अब सवर गई तोहके पाई के 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 जिंदगी अब सवर गई तोहके पाई के जिए के मकसद मिलल रात रानी बन के सजनी दिल में रहबू खिलल जिंदगी में आपके आ जाने से डर है नहीं अब जमाने से जिंदगी अब संवर गई आपको अब सवर गए तोहके पाई के हस देलू ता फूल झरेला मनवा ऐसे झूमे जैसे कोनो फूल पे भंवरा आके पीछे घूमे खिलते हैं फूल मुस्कराने से रूठने मनाने इतराने से मन रिझाने से जिंदगी अब सवर गई आपको पा जाने से 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 जिंदगी अब सवर गई तोहके पाई के मोहन तुम अभी तक तैयार नहीं हुए तैयार? हम लोग लंच पे बाहर जाने वाले थे ना हो 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 अरे बाप रे बाप हम कैसे भूल गए अरे हम बस अभी गए और अभी नहा के आए ठीक है फोन हेलो प्रणाम अरे मोहना और बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है सीरियस मैटर कहा जल्दी घर आ जाओ ठीक बा हम जल्दी आओ ताने ठीक बा क्या हुआ तुम अचानक इतना परेशान क्यों हो गए कुछ नहीं हमें गांव जाना होगा जल्दी से कहा वो कहा है कि हम जिस पेड़ की डाली है वो पेड़ खतरे में है पेड़ डाली मतलब मतलब तुम नहीं समझोगी हम बस यू गए और यू आते हैं ठीक है
गधा का बच्चा आवा। ए मोहन कमाई, अरे आरती का थाली लेके आवा, तुहार दुलरुआ अलबाड़न बम्बई से। कहले रली ना कि हम बाप पानी कदा के बच्चा के। तो ये सब ड्रामा करके हमके बुलावल गई ला। अरे कितना मुश्किल से छुट्टी मिले ला हमके। चुप कदा का बच्चा, बाहर निकल तो नौकरी। तोरा के तो फुर्सत नहीं के कि अपने माँ बाप का खोज खबर ले सके। अरे कम से कम अपने मेहरारू के बारे में तो सोचे के चाही, जौन अपन घर द्वार छोड़ के तोहरा खातिर यहाँ आयल बिया। तोहरा के तब फुर्सत नहीं के। कान खोल के सुन ला, अब तोहरा के मुंबई जाए के नहीं खे, और अगर जाए के बाद तो के साथ ले जाए के पड़ी। बाबूजी हम तोहरा के बताओ नहीं ना, वही जान 16-16 लोगों के साथ रही ले। अरे 16 के साथ रहा चाहे 20 के साथ रहा, पर हमार बात भी माना, अगर जाए के बाद तो साथे जाई, नहीं तो तू यही जे रह। कितना बार फोन करत रहल तोरा के, एक बार फोन ना उठैला, अलग पलट के फोन कैला, बात करत रहा। प्रिया, यही मेरी पहली पत्नी है, चंपा। लगल दुलहिन के मुंबई ले जाए के नाम पर जइबा ना तो दुलहिन के ले के जइबा, नहीं तो चुपचाप यहाँ रह के घर का काम का संभाला। अरे भगवान का दीहल, 20 बीघा जमीन है रे हमारे पास, तोरे लइकन बच्चन के आराम से पाल सकीला। अरे सोचत का बाड़े है, चल अंदर जो सामान ले चल। हे भगवान, अब क्या करें, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, अभी बिना ले गए इतना भयानक सपना होता, लेके चल जाए तो पता ना क्या हुई, कौनो ना कौनो रास्ता निकाले के पड़ी। एक काम करता नहीं, चंपा के ले जाके कुछ दिन होटल में रख दे, फिर एक रा के एक बाप के यहाँ पहुंचा दे, सब टेंशन ही दूर हो जाए। हाँ, ये सही रही। ए जी, रउवा के हमारे ओही जो याद ना आयल। अरे चंपा, याद आवत रहे ना, एकदम याद आवत रहे। साचो तोहार के लिए चंपा। तो इतना दिन से हमके फोन का ही ना कहीं नहीं फोन। फोन, अरे तू तो जानते बड़ू बम्बई में सब लोग कितना व्यस्त रहेला बिना मतलब। हाँ तू अपन बैकपैक कह लूगी ना। हाँ, आई हूँ दादा, अब ही ले ना कहीं नहीं। ना कह लू? अरे जा कर फटाफट, कल सुबह निकले के बाद। कल सवेरे? हाँ। पक्का ना? अरे एकदम पक्का। जा जा। बम्बई। बम्बई। जाता नहीं। बम्बई। हमारा के तोर बहुत याद आये पाई। अब तोरा के कनवा के किया ये माई। सब हो जाए, हम तोरा के फोन कर। हाँ, बातचीत होता टाइम होता बेटा, चला हम लोग अपन ख्याल रख ले बेटा, चला। बोल लगे तोरी माई बाबूजी। बेटा ठीक बा, ठीक बा बेटा, ठीक बा, खुश रह बेटा। एक दाह का बच्चा, एक बहु के चूहू चौपाटी जरूर घुमा दिए, सुन ले ही बहुत अच्छी जगह पा, और हाँ मुंबा देवी का दर्शनों करा दिए हैं। आवा बेटा, चल चल। दुल्हन मोहनवा के हाथ पकड़ के रखिया, छोड़िया जिन कहीं। हाँ। अच्छा, ध्यान रखिया, चला चलो जाओ, चलो चल चल। ई का है माई कहले बाड़ी, हमेशा हाथ पकड़ के रखी है, यही से पकड़ ले बानी। चला।
चलो माई। लंदन हो? अच्छा अच्छा हाँ। ये काहे आ सा तारू ए जी ओ लईकी रहल ना वो अपन कपड़ा पहनल भुला गई ली। अरे कपड़ा पहनल भुलाइल नहीं के फैशन हा। ई कवन बटे हमार चाचा। अच्छा पता नहीं मोहन कब आएगा। चली ना। हाँ हाँ चलो तनी अब तू बैठे ही जा। कहाँ है? टैक्सी लेके आओ। अरे लेकिन ऐसे कहाँ है रख लेनी? बहुत भारी बना। अच्छा हिलियो मत ना, बस यही जा बैठा रह ठीक है। हम बस अभी आए नहीं। हाँ बैठा बैठा। अरे या तुम यहाँ? हाँ मोहन, तुम्हारे प्यार में पढ़ के ये जाना कि बेकरारी क्या होती है। जब से तुम गए हो ऐसा लगता था एक एक पल जैसे एक एक महीने जैसा है। वक्त तो अपने रफ्तार से चल रहा था, सिर्फ जिंदगी रुक गई थी तुम्हारे याद में। बेकरारी का आलम यह था कि मैं रोज इसी स्टेशन पे आ जाती थी पर तुम नहीं आते थे। अरे काम ही ऐसा था ना। अभी हम आ गए ना। हाँ, अब तुम आ गए हो, चलो जल्दी से घर चलते हैं। चलो चलते हैं। चलो मतलब इतने दिन में तुमने मुझे याद तक नहीं किया। याद याद से याद आया। अरे बाप रे बाप, हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया है। क्या हुआ? अरे हम एक कीमती सामान स्टेशन पे भूल गए हैं। कीमती सामान? हाँ। अभी जाके लेके आते हैं। अरे लेकिन अभी कहाँ जा रहे हो? अभी तो उसे कोई उठा के लेके गया होगा। अरे वो ऐसा कीमती सामान है, उसको कोई उठा ही नहीं सकता है। क्या कक कुछ नहीं, हम बस यू गए और यू आते हैं ठीक है। हम आते हैं। हेलो। अरे जल्दी आ यार। आपने कोई औरत देखी यहाँ पे मोटी सी? कौन? काली सी? नहीं मेरे को नहीं मालूम। कैसी थी? काली थी यार। मोहन क्यों इतने परेशान हो?
अरे पुलिस स्टेशन चलते हैं, सामान गुम होने का रिपोर्ट लिखवा देंगे, सामान मिल जाएगा। तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, चाय पियो। अरे क्या नाम है तुम्हारा, चाय लाओ। चाय। ये मोहन है, हमारी बेटी प्रिया का पति। और मोहन ये चंपा है। स्टेशन पे खड़ी हुई बेचारी रो रही थी, अकेली थी। पूछने पर पता चला कि इसका पति इसे छोड़कर भाग गया। मुझे बड़ी दया आई इस पर और मैं घर ले आया। वैसे भी रामू काम पर नहीं है आजकल, मैंने ठीक किया ना बेटी? हाँ चंपा, उन्हें से एक बहुत बड़ भूलो गिल रहे, जेकरी वजह से हमके बिहा करे के पड़ल। चंपा चंपा भूल के प्रायश्चित करे खातिर हमरा लगे और कोनो रास्ता ना रहे। देखी हम रउआ से ना लड़ब, हम जाने तानी, हम करो भाई, हम सुंदर नहीं की, लेकिन लेकिन सुंदर बड़ी और लायक भी बड़ी। चंपा हम तोरा के खोजे खातिर स्टेशन गिरल रहनी, सारा सारा शहर छान मारनी, मगर तू ना मिलू। चंपा चंपा तू एक काम कर, कुछ दिन खातिर अपना बाबूजी घर चल जा। ना ना ऐसा ऐसा मत बोली, हमर बाबूजी की खुशी तो हमर बिया में ही रहल। उ काका ना कहीं ना हमरी बिया खाते, उनका के सब पता चली तो जीते जी मर जाई है। और अपने के बाबूजी की तरह वो जानते ही बानी, उनका के कुछ पता चले तो पता ना का होई। हम एक काम करता नहीं, हमें को किराए पे मकान ले लेता नहीं, तोरा जरूरत के हर सामान लेके रखते। ना, ना ना जी, हमरा के अपने से दूर मत करी। जब रहुआ हमके ओहिजा छोड़ के एहिजा चलेनी, तब हमके राउर सेवा करे के मौका भी ना मिलल। हम इहे घर में रही के राउर सेवा करब।
देखी एगो पत्नी खातिर अगर पति सब कुछ होला, लोग कहलन कि पति भगवान के रूप होला। हम हाथ जोड़ता नहीं, हमके हमार भगवान से दूर मत करे। हम रहुआ लगे रह के राउर सेवा करके रहुआ के देख के बहुत खुश रहब, हमके खुशी मिली। चंपा तू देखी हम यही जे केहू के ना कहब कि रहुआ हमार पति बानी, हमके यही जे रहे दी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। पूजा कर रही हो? जी। अब कैसी हो? ठीक बानी, धीरे धीरे ठीक हो जाए। अरे एका दीदी, तू तो नहा के आयलू हा और सिंदूर ना लगौलू? रुका हम लगा बतानी। इससे क्या होता है? अरे बड़ बुजुर्ग कहलन कि सेनूर सुहाग की निशानी होला और पति के लंबा उम्र खातिर मांग कबो सुनाना रखे के चाही। अच्छा मैं चाय बना के आती हूँ। अरे हमरा रहते आप कैसे काम कर सकता नहीं? अच्छा ठीक है, तू जल्दी से चाय बना के लेके आ, मोहन को डैडी के साथ कहीं जाना है। अरे दीदी आप अपने पति के नाम लेनी? पति के रूप तो भगवान के रूप होला, नाम ना लिहल जाला। अरे पगली यहाँ पे ऐसे ही होता है। सुनो सुनो ना, उठो ना। अरे सिंदूर? हाँ चंपा ने लगाई है। कह रही थी कि मांग सुना नहीं रहना चाहिए और सिंदूर लगाने से पति की उम्र बढ़ जाती है, और मुझे तुम्हारी उम्र से ज्यादा और क्या चाहिए? चाय। अरे चंपा चाय लेके आ गई, ला। काका 200 रुपया ना देबो? पैर दबईबे कि 200 रुपया मांगबे? जब आईबे तब 200 देता, 300 देता खाली। समधी जी प्रणाम। अरे प्रणाम प्रणाम। अरे ई सब लेके कहां चल ली हो? उका है समधी जी, इस साल खेत में केला का फसल बहुत अच्छी आयल रहे। अच्छा हम सोचले कुछ रगुआ लोगन खातिर ले ले चली। अब बहुत दिन हो गई चंपा अपने खेत के केला नहीं के खैले बा, यही खातिर ले ले आईली। अरे एकरा उतरवाई तो सही। इतना दूर से लेके आवा तानी। अब बैठ बैठ। अरे कुछ मिठाई है? बैठ। अब का बात समझे जी कि ये सब चंपा के खियाए बदे तोरा के 2000 किलोमीटर दूर जाए के पड़े। 2000 किलोमीटर दूर कहाँ? अरे मुंबई। मोहनवा के मुंबई में अच्छा नौकरी मिल गई बा। अरे वाह। और दुल्हनिया अकेले रहत रहन तो हम कहली मोहन से कि आके बहू के ले जा, दोनों जने के साथ रहे के चाही ना। समधी जी इतना खुशी के खबर सुनौला कि मन करत कि अब है उड़ी और जाके लोगन के मुंबई में देख ली। अरे उड़े के बात करत आड़ा, एगो मोबाइल तो खरीदे ला नहीं कि कम से कम बतिया ले बिटिया से। बात रहुआ सही कहता है, अगर आज हमारे पास मोबाइल हुई तो कम से कम
उन्होंने एक जायक समाचार तो मिल गई हो हैं। लेकिन समझी जी को बात कही, हमार चंपा बहुत भाग्यशाली बिया हो, आज वो अपना मोहन के साथे मुंबई में रह रहल बिया। प्लीज हैव सीट। बोलिए मैडम, क्या चाहिए आप लोग को? वड़ा पाव, भजिया पाव, रगड़ा पाव, समोसा पाव, इडली डोसा, लिट्टी चोखा। एक चेहरा जब चिन्हल चिन्हल लगाता, मोहना तो नहीं है। कुछ मिला? ढूंढ रहा हूँ। अब पता चल जाए कितना लुकोई है। बड़ा मौज करता टने बम्बई में आके। कितना देख रहे हो? एक्सक्यूज मी, का रे? मतलब क्या है? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? नथिंग। अरे ओ हेलो, आए नहीं छुपाएंगी। एक मिनट, एक मिनट, क्या देख रहे हैं? अरे चीनने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ऐसे क्यों कर रहा है? देखो ना, ना मुझ छुपा के बोलो, ना ही सर झुका के बोलो, जो भी बोलना है मीनू हटा के बोलो। बेबी यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आलू चलते हैं। हाँ हाँ चलते हैं। अरे बाप, ये मोहना रहल। मोहना के दादा कब बम्बई ना आई रहे? ओ मोहने रहल, लेकिन साथे मेहरारू। घर हूँ मेहरारू। ठाकुर साहब, पुलिस चंपा के पति को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अगर उसके पति का कोई फोटो मिल जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है इंस्पेक्टर, हम पता करते हैं। डैडी। अरे आओ, आओ, आओ। सब ठीक है? सब ठीक है। खाना वाना खाए? हाँ। मोहन जी, तुम्हें पता है पुलिस चंपा के पति का अभी तक पता नहीं लगा पाई। इंस्पेक्टर कह रहा था कि उसके पति का कोई फोटो होता तो हमें ढूंढने में आसानी होती। अब फोटो उसका, हाँ चंपा को यहीं बुला के पूछ लेते हैं ना। चंपा जी। बेटा एक बात बताओ, तुम्हें कोई जानने वाला या तुम्हारा कोई रिश्तेदार इस मुंबई में है? ना बाबूजी, ये दुनिया में हमारे पति के अलावा हमार केहू नहीं के। कोई फोटो तो तुम्हारे पास होगा ना उसका? ना ही बाबूजी। अच्छा एक काम करो, उसकी शक्ल सूरत हुलिया तो बता सकती हो ना? हमार पति एकदम भगवान श्री राम जैसन बड़े, ओही सूरत ओही शक्ल और उहे तेज। अरे पगली, तू जिसे भगवान का दर्जा दे रही है वो कोई भगवान नहीं है, राक्षस है जो तुझे इस भीड़ भाड़ के शहर में अकेला छोड़ के चला गया हो। अरे वो कोई भगवान भगवान नहीं है, बल्कि एक नंबर का कमीना है। दीदी दीदी बस, और कुछ मत बोलो बस। सुना है पानी के धार से पत्थर भी पिघल जाते हैं, और एक तेरा पति है पता नहीं किस पत्थर से बना हुआ है, उसे तो नरक में भी जगह नहीं मिली। बस चुप हो जा बस। हमारे पति जैसन बड़े वो हमारे भगवान बड़े, और हम अपन भगवान के अपमान नहीं की सहन कर सके। अगर हुआ कि हमरा से कोई दिक्कत बात तो बोलती, हमें जैसे चल जाए, बाकी उनका कुछ मत बोली। पता नहीं कैसा पति है जो इतनी भोली भाली सीता जैसी पत्नी को छोड़ के चला गया हो।
पापा मुझे माफ कर दे, अब से तेरे पति को कुछ नहीं बोलूंगी। मैंने राम जी को तो अभी तक देखा नहीं है, लेकिन तू बिल्कुल सीता जी जैसी है। तेरा राम जहां कहीं भी हो तुझे जल्द से जल्द मिल जाए। डैडी आप मेरी फ्रेंड मोहिनी की सगाई में चलेंगे ना? ओ क्यों नहीं, जरूर चलेंगे। हेलो सर, अपनी कंपनी के ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर्स आ चुके हैं, आपका वेट कर रहे हैं। ओके मैं अभी आता हूँ। ठीक है बेटी, अब मैं तुम्हारी सहेली की शादी में नहीं जा पाऊंगा। चंपा चाय लेके भी आ गई, मुझे चलना होगा। लेकिन क्यों डैडी, आपके लिए तो बस बिजनेस बिजनेस एंड बिजनेस। बेटी बिजनेस तो बिजनेस है, मुझे जाना पड़ेगा। अरे, कोई बात नहीं, अगर आप नहीं चलेंगे तो मैं चंपा को लेके जाऊंगी। वेरी गुड आइडिया, चंपा तुम प्रिया के साथ चली जाना। ओके चंपा चल तू मेरे साथ सगाई में। दीदी हम ना जाए। क्यों? बस ऐसे ही हम ना जाए। लेकिन क्यों? अच्छा देख, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तो आज से मैं भी तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। दीदी ऐसा मत बोला, हम नहीं की चाहत की हमरा जाए से शादी की रौनक खराब हो जाए, और हम संगे चलब तो बेइज्जती और हंसी के अलावा और कुछ ना मिली। ओहिजा कितना सुंदर सुंदर लोग होई, हम ओहिजा का करब जाके? किसने कहा कि तू सुंदर नहीं है? तू चल मेरे साथ, आज मैं तुझे दिखाऊंगी कि तू कितनी सुंदर है। कहाँ? प्रिया, who is this प्रिया? बॉबी ये चंपा है, इनका मेकओवर करना है। चंपा? चमेली का तेल लगा के आई है? दीदी ये का करी है, ये तो खुद ये तो लौंडा बा। हाउ हाउ चंपा बहुत बड़े स्टाइलिस्ट है, ये जो बोलेंगे तुम कर लो ना, सब ठीक हो जाए। बॉबी प्लीज प्रिया इनको लेके जाओ। प्रिया तुम कहती हो तो मैं कर दूंगी। की जोरे मुझे सा तुका कर बे, पहले हिलावल तो बंद कर गधा। प्रिया बॉबी प्लीज। दीदी ना कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, जाओ। माटी लगा बना कवन, माटी लगा बना रे रे पकले लवा। ए दीदी काम डाउन बेबी प्लीज। हो गया बस, काम डाउन बेबी हो गया ना। ए हिलोना अखिया पर देबे का? बेबी इसे रखना पड़ता है, इसको रखने से क्रीम आंख में नहीं जाती है। डोंट क्राई बेबी। ए हिलोना हमारे फितवा रे, ए हिलोना हमारी चोटियां बिगाड़ दे ले रे। अरे अरे का कर दे रे, कपड़े फोड़ दे बे करे। अरे हिलोना अच्छा से दो ना, मार मार के तेरे फोड़ दे बे हिजा। मोहन करी।
अच्छे दोस्त हो। हाँ। और तुम इतना लेट क्यों आई? ओह आई एम सो सॉरी। ये लो। थैंक यू। यू आर वेलकम। हमारी तरफ से। थैंक यू जीजा जी। सगाई के हार्दिक शुभकामना बा। थैंक यू। प्रिया ये कौन है? ये ये चंपा है। इसकी बहुत लंबी कहानी है। इसका पति ना इसको स्टेशन पे अकेला छोड़ के चला गया। पता नहीं कैसा पति है। आगे का क्या प्रोग्राम है? अरे हट माटी लगो ना। चलो बहुत सारा काम। चलो चलो। हाँ ऐसी घटिया हरकतें शरीफों को शोभा नहीं देता है। अरे ऐसी देसी गोरी को कौन गौर से नहीं देखना चाहेगा? चुप। तुझे पता है वो शादीशुदा है। गलत बोल रहे हो भाई। शादीशुदा नहीं है, पति छोड़ के भाग गया उसको स्टेशन पे। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं नसीब का बहुत तेज हूँ और मैं ही उसका पति बनूंगा। अगर मैं इसका पति बनकर नहीं दिखाया तो मेरा नाम बाके लाल नहीं। खाना तो बहुत अच्छा है। बेटी तुम्हारे डैडी नहीं आए? अब क्या बताओ अंकल, मेरे डैडी को तो बस बिजनेस बिजनेस एंड बिजनेस। ये बहुत गलत बात है। मैं हर फंक्शन में तुम्हारे यहाँ आता हूँ। एक तुम्हारे डैडी जो है बिजनेस 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 लगा के रखे रहते हैं। आई नो। कहाँ देख रहे हो? कहीं नहीं। खाओ। एक और प्लीज। खाना तो खाओ। मैं अभी आई। अरे अरे बस ले लो ना, ले लो। अरे अब कहानी ना 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 का है बे? जब वो मना कर रही है तो काहे जबरदस्ती खिला रहे हो? अरे तुमको क्या प्रॉब्लम है भाई? का कहे? मना कर रही है। हाँ चलो यहाँ से। केहू कुछ दे दे तो ले ले बू। जी चुप। जी का बच्ची। अरे वो इतना प्यार से खिलावत रहे, यही से खा लेनी ना। प्यार से? अरे कोनो पागल तो की प्यार से जर खिला दी तो खा ले बू का। दोबारा अगर केहू से कुछ ले लूँ ना तो तुम्हारा जबान काट दे। मोहन। जी प्रिया। क्या कर रहे थे वहाँ? वो कुछ नहीं, चंपा खाना नहीं खा रही थी। अच्छा, शर्मा अच्छा। रही थी तो हम कहे खा लो। तुमने खा लिया ना? हाँ हाँ। तो प्लेट रख के फ्रेश होके आ जाओ। काट के रख दे। सुन चंपा चंपा, तेरा पति तुझे भागा है छोड़ के, मैं तेरा पति बनूंगा रे चंपा चंपा चंपा। अरे ओ चंपा, पीछे से चंपा। किसे ढूंढ रहे हो? चंपा को। चंपा को? पर उसका रूमवा तो चेंज हुआ है। किधर? इधर आओ। अरे आओ चलो चलिए। चंपा के लेके हमारे मन में इतना जलन काहे हो के लागल बा। हम तो उसे प्यार भी ना करें ना, कहा करी कुछ समझ में नहीं आवत। क्या हुआ? हा? क्यों परेशान हो? कुछ नहीं, वो मोहिनी की शादी से अभी आए ना। हाँ थोड़ा सफर का थकान है। हाँ और वैसे भी
सगाई का खाना खा के कुछ ज्यादा ही उब गए हैं। चंपा को बोलती हूँ कुछ अच्छा खाना बनाए। चंपा, चंपा। हाँ दीदी। चंपा, आज तो अपने मन का कुछ गांव टाइप खाना बनाना। ठीक बाटे, का खाए के बता दी। हमके तो आज कुछ नहीं के खाए के। क्यों, आज क्या है? अरे दीदी, आज हमारा व्रत है। व्रत किस चीज का? तीज के। अब ये तीज क्या होता है? दीदी, तीज के व्रत ना हर सुहागिन रखे ली अपन पति के लंबा उम्र खातिर। यही से हम रख ले बानी। सुनो, मैं भी तीज का व्रत रख लूं। लेकिन मुझे तो कुछ नहीं पता है कि तीज का व्रत कैसे रखते हैं। दीदी, हम आपके सारा विधि बता दें। तू बहुत अच्छी है। पता है, मेरी कोई सगी बहन नहीं है, लेकिन आज से तू मेरी बहन है। ठीक बात।
मोहनवा की विजिटिंग कार्ड पर तो यह का पता लिखल रहा है। लागा था कि हमने के कोनो गलत जगह आ गए है। पूछत है केहू बा हो कोई हो? हे भगवान, बाबूजी और ससुर जी, अब हम का करी? बेटी काई घर हमार बेटी चंपा और हमार दामाद मोहन जी के है। बाबूजी हम चंपा हैं। दुल्हन तू समझी जी, दामाद जी हमारा बेटी के एकदम बदल के रख देले बाड़न हो। एकदम एकदम चमत्कार हो गई बा। और यहाँ के व्यवस्था देखा देखा देखा, यहाँ के व्यवस्था तो देखा, ऐसा व्यवस्था कोनो राजा महाराजा के घर में ना होला। बिल्कुल बिल्कुल। ए समधी जी, दामाद जी हमारा बेटी के एकदम रानी बना के रख ले बाड़न। चंपा तोहार उ दोनों चोटी और उस समर का चेहरा, अरे सब कहाँ गायब हो गई रे? लागत मुंबई के पानी तोहरा के एकदम सूट कर गई बा। ए दुल्हन, ये घर मोहने का बा ना? हाँ हाँ हाँ। इतना जल्दी इतना बड़ घर, कोनो गलत काम ना न करे लगे धाक ना, बच्चा? ना ना बाबूजी। ए समधी जी, ये सब हमार बेटी के पुण्य प्रताप का नतीजा है। ये सब हमरे बहू के शुभ चरण का नतीजा है। अरे भाई, दोनों बात एक ही भइल ना? है कैसे एक भइल? दोनों बात अलग अलग, समझ ले? बाबूजी बाबूजी, आप लोग थक गए हो कब इतना दूर से आइल बानी? चली कमरा में आराम कर ली, लाई सामान हमके दी। बाबू बाबूजी हमके दी। चलो ला। आई चला, जल्दी आई। चलो बेटी। आई बाबूजी। अरे ए, ये तो बड़ा गुलगुल बहो। ए बिटिया, हम तो यही सुतब। हाँ हाँ, कहे ना। अरे हाँ, गधा के बच्चा के फोन करते कि ओकर बाप आयल बाड़न। हम अपन फोनवा तक घरे बुला गए। बाबूजी, हम तो रोवा के बतावले भुला गई नी कि यहाँ के बहुत जरूरी काम से मुंबई से बाहर गेल बानी, आवे में दो चार दिन लग जाए। अरे तो कोनो बात नहीं किए, तबले हम लोग मुंबई दर्शन कर लिए। क्या हो, ठीक रही ना? अच्छा, हम खाना पीना के इंतजाम करके आवता नहीं। ठीक बा ठीक बा, तब तक हम अपन इंतजाम कर ले। जा जा बेटा, जा जा जा। हां अब चल जाए शाम के। क्या बात है भाई, वाह। लंच बहुत ही अच्छा था, और मैंने कहा था ना, रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा। ओ चंपा, आ गई लो दीदी। हाँ मैं आ गई। तू दिन भर कितना काम करती है, कभी आराम भी कर लिया कर। अच्छा सुन, मैं बहुत थक गई हूँ, एक चाय पिलाएगी? हम अभी ही बना के ले आवा तानी। हाँ। बाबूजी लोग अकेले बाड़े। बाबूजी बाबूजी अकेले? हाँ, और हम उन लोग के मेहमान वाला कमरा में रुका देले बानी। ठीक है लो। और हाँ, आ रहा हूँ, पानी पी के आ रहा हूँ। हम उन लोगों से कह देले बानी कि रवा कुछ काम खातिर बाहर गेल बानी। हाँ, और उन लोग के लगा था कि ये पूरा घर हमनी के हो। अरे बाप रे। देखी रवा, चिंता मत करी, बस रवा कमरा से बाहर मत निकले। हम कसम करके उनका के भोरे भोरे भेज दे। बाकी चंपा? अरे भेज दे रवा, चिंता मत करी, जाई। हे नहीं जाई। भगवान पागल हो जाएगा। अरे हम तो सोचले रहली ना कि गधा का बच्चा जिंदगी में कुछ न कर पाई, पर गुरु मुंबई आके बड़ी तरक्की की है। देखा अपने आप पे ससुरी ही लग बा। और यार ठंडा ठंडा हवा आवत बा। और हम तो सुनले रहली ना कि मुंबई में लोगन के लगे माचिस की डिबिया नियर मकान होला। माचिस की डिबिया? अरे फ्लैट हो, छोट छोट फ्लैट। बहुत पर महर नियर मकान बने लिया हो। साच कही संधि जी। हाँ। हमार दामाद जी ना एकदम अंगूठी के नगीना वाड़े नगीना। और हे भैया, इस समय ना उ माता रानी के बहुत बड़ी कृपा बा। जय हो माता रानी की, जय हो। समधी जी,
तू तो खुश पाड़ा ना? अरे बहुत खुश हैं हम। दास थोड़ा सा लेबा का? अरे वो है सोब रस हो। अरे छी छी छी, जब देखी तब रहुआ हमार धर्म भ्रष्ट करे पलागल बानी। हमरा के माफ करी, आप ही मजा मारी। का तो हर बार बार धर्म भ्रष्ट होत रहा ला। अच्छा एक बात बताओ, पिए लाना तो जिए ला कैसे हो? अपन अपन तरीका है भाई। हम सुन ले ही ना कि ठंडा पानी में मिला के पिए था ना, बड़ी मजा आवेला। ई तो रउवे मालूम होखी। हाँ देखो काम करबा। हाँ बोला। उपहार ठंडा करे वाली जो मशीन बा। ठंडा करे वाली मशीन? अरे फ्रिज महाराज, उबार रखा ना ना, उनमें से ठंडा पानी का एक बोतल। हाँ हाँ। और बुरा मत बनिया, एक तो गिलास पी लेते। हाँ तो ठीक बा, हम लेके आता नी। अरे ठंडा हवा, ठंडा पानी। मोहन, मुझसे चंपा की हालत देखी नहीं जाती। जैसे उसका पति उसको छोड़ के चला गया है, वैसा तुम मेरे साथ कभी करोगे? मैं तो मर ही जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो प्रिया? मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। ओ मोहन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सब का हो गए भगवान। भगवान बाबूजी, बेटी दबा जी तोरा सूते खातिर ई बिस्तर देले बाड़न। अरे ना बाबूजी, ओ कहा ना कि एही जाके नरम नरम बिस्तर पे हमरा के नींदे ना आवत रहे, एही से हम भुइया सूते नी और कोनो बात नहीं खे। हाँ बेटी, तू अपना बाप के बुड़बक समझता रू, हमरा से झूठ बोलता रू। ऐसन बात नहीं खे, हम एकदम खुश बानी, सुखी से बानी। हाँ तू बहुत खुश बाड़ू, वो फोटो देख हम समझ गए ली कि तू कितना खुश बाड़ू। पता ना दमाद जी कौना जन्म के बदला निकल ले हमारा से। ना बाबूजी, उनका के मत कोसी, उनकर का गलती रहे, उनकर बिया हमार जैसे कुरूप लड़की के साथ कर दी हल गई, और उनकर बाबूजी भी उनकर पसंद ना पसंद ना पूछ ले। रहुआ के पता भा सिर्फ हमरा वजह से उनकर जिंदगी नरक बन गई है। तू का चाहता रू बेटी कि हम तुहार जिंदगी नरक बना दे? ना हम आज तोहरा लेके गाँव जाए। ना बाबूजी, तू ही कह ले रहा ना कि बेटी की डोली बाप के घर से और अर्थी पति के घर से जाला। बाकी बेटी तोरा के हम ही हाल में छोड़ दी? ना बेटी ना, ई ना हो सकत, हम तोरा के अपने साथे लेके जाए। बाबूजी, वो भले प्रिया दीदी से शादी कर ले होखे, लेकिन दोनों ही हमरा बारे में सोचे ले। हमरा के तनिक भर चोट लग जाला तो दर्द प्रिया दीदी के होला। बाबूजी, वो दोनों जने के प्यार पाके हम बहुत खुश बानी। ना बेटी ना, हम तो हरक लेके गांव चलब, हम अब ही दुर्गा बाबू से बात करब। ना बाबूजी, बाबूजी के कुछ पता चल गई तो अनर्थ हो जाये। तू का चाहता रहा कि हम बेवा बन के तोहार घर में रही, कि ऐजा एक घर में रह के दोनों घर के लाज बचाई? हाँ बाबूजी, तू काले सवेरे ना बाबूजी के लेके चल जा, अगर प्रिया दीदी के मालूम पड़ गई ना तो उनकी शांति और हमारी खुशी में ग्रहण लग जाए बाबूजी। अरे तो तू का चाहता रू, ये हालत में हम तोरा के यहाँ छोड़ दी? बाबूजी, बाबूजी उनका के इज्जत से लेके चल जा। हम हाथ जोड़ता नहीं बाबूजी, राव गोड़ पड़ता नहीं बाबूजी के लेके चल जा। हे हमार बेटी, माता रानी
सात घर दुश्मन के बेटी के भी दुर्दशा ना करें। ना बाबूजी, ऐसा मत बोली, हम खुश बनी, हम ये सब संभाल ले। अगर तू कहता रू ना, हम बिहाने बिहाने दुर्गा जी के लेके गाँव चल जाओ। अब तो तू खुश बाड़ू ना। बाबूजी ऐसा मत बोली, हम ये सब संभाल ले, तू उनका के लेके चल जा। अब हुई पानी लिया वे गल बारन की कुआं खोदा तू। अरे कहाँ रह गल रानी महाराज। लीना ली। अरे तो दो गिलास। हाँ आज हम हूँ पियब, हमारे में भी डाली। क्या बात है, गल हलत पिए का बिल्कुल मन न रहे। अरे ऐसा कहा हो गलो, बेटी के खुशी देख के पिए के मन कह दिल। जवन दिन देखे के कोनो उम्मीद ना रहल, आज वो दिन दमाद जी दिखा दिल। अरे गुरु तुरे आंखी में आंसू। कोनो बात नहीं, बेटी के खुशी देख के ना आंसू अपने आप आ गए। अच्छा अच्छा, ये बतावा कि अब ना ना। वाह गुरु वाह। एक और आउट। बस 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 अब एक और। अरे बाबा रुस्तम निकल रहा तू तो। अरे एक दिन के खुशी में जब तुहार ई हाल हो, कहीं एक महीना रह गई है ना, तब तो हमके लगा था पूरा बोतले कटक जी बा तू। पूरा बोतल ना समझ जी, पूरा ठेका पी जाए, पूरा ठेका। समझ जी हाँ, एगो बात याद आ गई। बताई। वो कहे कि चंपा के ब्याह में हम बैंक से कुछ लोन लेने रहनी, जौन एक परसों किस देवे की आखिरी तारीख हो, अगर ना दिया तो उस सारे कुड़की बुड़की निकली है, समाज में बेइज्जती हो जाई। यही से हम सोचतानी कि चली ना आज हमने के गांव चल जाओ। अरे का कहा तार, अभी मोहना के आए में दो तीन दिन लगी। अरे उसे मिल के तब जाए के है ना, तब ले हमनी के जूहू चौपाटी घूम ली हल जाई, मुम्बा देवी का दर्शन कर ली हल जाई, फिर मोहना से मिलके चलल जाई गांव में। वो सब तो ठीक बा, लेकिन अगर हमार बेइज्जती हो जाई तरुआ के ठीक लागी। अरे क्या बात कर ताड़ा, अरे तोहरा खातिर हमार जान हाजिर बा, बेइज्जती हो जाई तोहा ठीक बा, मोहना से बाद में मिल ली हल जाई, काल भोरे भोरे हमनी के वापस ले जी। नना दी एजी। चंपा बैठा। हम ना। अरे बैठा ना बाबूजी। बाबूजी रहुआ चिंता मत करी, बाबूजी चल गई नी। चंपा हम तोरा पे इतना अत्याचार कहनी, बाकी तोरा तनी को फर्क ना पड़ल, हमरी वजह से तोरा बहुत जिल्लत सह के पड़े, हमसे बहुत बड़ भूल हो गई चंपा। ना जी ऐसा मत कहीं, आपसे कोनो गलती ना भइल, गलती तो हमरा से हो गई, हम आपकी जिंदगी में आ गई नी और आपकी जिंदगी नरक बना देनी। बस चंपा हमसे ये अब और बर्दाश्त नहीं किया होता, हम अभी जाके प्रिया के सब बता देता हूं। ए जी ना ना ऐसा अनर्थ मत करी, देखी जैसे चलत बा वैसे चले दी, हमरा नसीब में शायद यही लिखल रहे, हम आपसे क्रिया खा के कहता नहीं, हम आपसे कभो कोनो शिकायत ना करब, बस ऐसे ही पूरा जिंदगी राव सेवा करत रहब, प्रिया दीदी से बहन लेखा प्यार और आपके आशीर्वाद से हमार जिंदगी कट जाए, आपके बाह में ना सही, कम से कम आपकी आंखी के सोजा तो मर पाई, और
ऐसे बढ़ के कुछ ना चाहिए हमरा के सच। चंपा, हमके माफ कर दे चंपा, हमके माफ कर दे। चंपा, दीदी, बस चला ना, तेरा पति तुझे छोड़ के चला गया था, ना, कि तू अपने पति का छोड़ के भाग आई थी आप, बड़ी सीताफली फिरती है। मैंने तुझे अपनी बहन समझा और तूने मेरी सुहाग पे पूरी नजर डाली। ऐसा ऐसा कुछ मत। आज के बाद मैं तुझे एक पल भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। हमें चल निकल यहाँ से। दीदी निकल। दीदी मैं तुझे तेरे पिछले में पति से मिलाने की कोशिश कर रही थी और तूने मुझसे मेरा ही पति छीन लिया। इसीलिए इतना पूजा पाठ करती थी कि दूसरे का पति छीन सके। बोल हमारा जो भी है दूसरे का धन उजार सके। सोच रही हूँ सब कुछ। मैं इसको इस घर में एक पल भी नहीं रुकने दे सकती। चली जा यहाँ से। दीदी प्रिया नहीं, प्रिया रुक जाओ। नहीं प्रिया, हम चंपा के पति हैं। क्या कहा तुमने? फिर से कहो। हाँ, हम ही चंपा के भगोड़ा कभी ना पति हैं। जरूर जाकर स्टेशन पर छोड़ के आए लेनी। दीदी, आज आज पहला बेर हम आपकी आंख में आंसू देख ले बानी, जेकर कारण सिर्फ हम हैं। रवा रवा रोई जिन, हम ऐसा से चल जाए दीदी। दीदी ऐसा कीमती सामान है उसको कोई उठा ही नहीं सकता है क्या? और पति के लंबा उम्र खातिर मांग कब सुनाना रखेगी चाहिए? कहाँ जात पड़ो चंपा? आपकी जिंदगी के और नरक नहीं के बनावल चार। दीदी, 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 तू क्या कर लो? हाँ, क्या कर लो प्रिया? हमरा गुनाह की सजा अपने आप के देगी तो हमरा के और गुनाहगार बना दे लू। नहीं मोहन, बात गुनाह की नहीं, बात नसीब की है। प्यार तो हम दोनों ने तुमसे किया है, लेकिन नसीब ने इस चंपा को इस राम की सीता बना दिया है और मुझ प्रिया को इस मोहन की राधा। मोहन और राधा का प्यार तो अमर रहा, लेकिन उनका मिलन कभी नहीं हुआ है। क्योंकि हमारे समाज में सिंदूर का बंटवारा नहीं होता है। इस सीता ने बहुत दुख सहे हैं, इसे मेरे हिस्से का भी प्यार दे देना। क्योंकि हमारे समाज में सिंदूर का बंटवारा नहीं होता है।
बंटवारा नहीं होता है। मेरी कोई सगी बहन नहीं है, लेकिन आज से तू मेरी बहन है। दीदी ऐसा मत बोली। आज हम अपन सेंदूर के बंटवारा करत आनी। हाँ एजी, चली जल्दी से हॉस्पिटल लेके चली चली। वो गधा का बच्चा जब होना। अरे छगनवा, तू ही हालत में क्या बोल रहे हैं? हाँ हम बाबे में बरसात बने थे नहीं हाँ, तो अब गांव में आके बंटे 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 फिकत रहा नहीं। उधर के मालिक हमारे पुछोड़ा प्लाट मार के भगा दिए। अरे तुहार कर्म ही ऐसा हो ससुर। ये तो का हमार कर्म का मोना के कर्म सुन ले बना। तब पैर के नीचे से जमीन सरक जाइए और सर के ऊपर से आसमान फड़फड़ा फट जाए। मोहना के कर्म क्या गलत मोहनवा है? हाँ बता। ऋषि बनाए ना। अरे नारे बताइबे। बता रहे थे। बता मोहना। बता मोहना। क्या करना है? बता जी। मोहना बम्बई में था। मुंबई में क्या करना है? एक ब्याह और कहले बा। एक धा का बच्चा तो देख लेनी जाना। एक धा की बच्चा का कहानी। एकर मेहरारू तो सिंदूर का बंटवारा कर ले ली सा, लेकिन आप लोग ऐसा काम मत करब। कहें कि अगर आप लोग ऐसा काम करब तो का हाल होई ये देखी।